मणिपुर की दो महिलाएं सरेआम दुशासन के चीरहरण का शिकार हुई। कानून अंधा बनना रहा, मगर एक सवाल आज भी देश के सामने है कि आखिर कब तक आधी आबादी के साथ इस तरह की जघन्य दरिंदगी होती रहेगी। आखिर देश का कानून क्यों इतना मजबूत नहीं है जो महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को रोक सके। बस्सी जनपद में एक विवाहित महिला के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया जिस पर कभी किसी को विश्वास ही नहीं होगा, मगर जब सारा सच पीड़ित महिला ने खुद दुनिया के सामने दिखाया तो सभी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कभी बेटी कभी माँ तो कभी बहू बनकर हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली किसी महिला का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा होता है। शादी के बाद भले ही उसके दूसरे जीवन की शुरुआत होती है, मगर रिश्ते निभाते निभाते कभी मर्यादा की दहलीज जब कोई पार कर जाता है तो समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता। आज हम ऐसे ही एक महिला की कहानी बताएंगे जिसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। पति से दो बच्चे हुए तो ससुर से भी एक बेटी पैदा हुई, और अब इस माँ के सामने चुनौती है कि अपनी तीन बेटियों के जीवन को सवारे और समाज से लड़ना भी है। रुधौली थाना क्षेत्र के भरौली गांव की एक महिला आज अपनी किस्मत पर रोने को मजबूर है। लगभग 9 साल पहले शादी हुई, पति दिमागी तौर पर बीमार था जिसका फायदा ससुर ने उठाया और इस महिला को डरा धमका कर कई बार उसका बलात्कार किया। ससुर के कुकृत्यों के बारे में जब महिला ने थाने में शिकायत की तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर उसकी अस्मत का बार बार सौदा होता रहा। पीड़ित महिला ने एक रोज अपने ससुर की करतूत को वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया और इस काले सच को दुनिया के सामने लेकर आई, जिसके बाद पुलिस को मजबूरी में अपनी बहू से बलात्कार की FIR लिखनी पड़ी। ससुर पिछले 4 महीने से जेल में है। अब देवर ने भी उस पर बुरी नजर रखना शुरू कर दिया और उसने भी उसके साथ कई बार रेप किया। हाल ही में सास देवरानी और देवर ने अपनी बहू को घर से निकालने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर तीनों ने उसे पटक कर मारा पीटा, जिसका वीडियो होने के बाद भी रुधौली थाने की पुलिस ने उल्टा पीड़ित महिला पर ही FIR दर्ज कर ली। इतना ही नहीं, अपनी बड़ी बेटी का DNA टेस्ट भी करवाया जिसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उसके पिता कोई और नहीं बल्कि उसके दादा ही हैं। अब इस विवाहित महिला का जीवन नरक सा हो गया है। पति होते हुए भी अपनी पत्नी के जीवन को नहीं बचा सकता। सास और देवर इस महिला के जीवन के दुश्मन बने हुए हैं। अब ऐसे में वह न्याय की उम्मीद करे भी तो किससे। अपनी तीन बेटियों को लेकर यह महिला दर दर भटकने को मजबूर है। बहरहाल SP दीपेंद्र चौधरी को मीडिया ने प्रकरण की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। एक प्रार्थना पत्र महिला की तरफ से दिया गया है जिसके आधार पर पुलिस विधिक कार्यवाही कर रही है। महिला को पीटने का वीडियो भी उनके संज्ञान में आया है जिस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। जब हमारे मायके छूट गए तो हम शिकायत चालू की हमारे आदमी करक रहे है वही का नाजायज फायदा उठाए हमारे साथ काफी बलात्कार की है। ससुर हम सर बस के उसने कहे ना हमारे पास प्रूफ रहा ना हमारे पास गवाह रहा है कुछ नहीं रहा ये ना तो जब हमारे पास मोबाइल है तो हम वीडियो बनाए के तब आप हाँ वीडियो ये कमरा में हम का बोलते हैं दोनों जने है ही हाँ सो लोग जेल ससुर जेल में 1.5 साल से और देवर छूट कर आए गए हैं। हाँ सताव हम फिर का बोलते चालू किए पता रहा कि माँ लड़की नहीं खोए पर्दाफाश करना थी हल्ला करना थी करे लड़की के खून टेस्ट कराए रहे हैं का बोलता है माझी वाली लड़की के बीच वाले आयुषी। इसमें महिलाओं में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है और जिसमें एक पक्ष का आरोप है कि जिस पक्ष ने मारा है उसके ऊपर उसके ही एप्लीकेशन पर तहे मतलब FIR दर्ज हो गई है और जिसको चोट आई उसकी FIR नहीं दर्ज है। तो इसमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है मेरे द्वारा, इसमें उचित एवं विधि कार्रवाई के लिए प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया। इसमें जो सच्चाई है उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी।
हाँ।